Hello students, welcome back to my channel Maths World. In this video we are going to learn subtraction by Vedic method. उसमें का method हम लोग learn करने वाले हैं base complement method. उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि exactly base complement मतलब होता क्या है. यहाँ पे आप लोग को एक box दिख रहा है, okay? वहाँ पे आप लोग कुछ numbers दिख रहे हैं 1, 9, 2, 8, 3, 7. okay, हम लोग क्या करते हैं कि 1 + 9 करते हैं, कितना आता है 10. 2 + 8, 10. 3 + 7, 10. मतलब अगर ये ऐड हम लोग करते जाए तो वी गेट द 10, दैट इज़ द बेस 10. मतलब 1 में अगर 9 मिलाया जाए तो वी गेट द बेस 10. 2 में अगर 8 हम लोग ऐड करें तो वी गेट अगेन 10. सो दिज आर दी बेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, द 9. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 8. वाइस वर्सा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 इज 2, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 इज 1, एंड सो ऑन. ये बॉक्स आप लोग को समझ में आ गया. सो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं 54 - 36. अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते जाए तो यहाँ पे 54 - 36 है. 4 - 6 इज़ नॉट पॉसिबल, सो कैरी करेंगे फ्रॉम 5, इट बिकम्स 4 एंड 4 बिकम्स 14. 14 - 6 इज़ 8 एंड 4 - 3 इज़ 1. दैट मीन्स हम लोग को इसका आंसर क्या मिला है, 18. Now we will solve it by the base complement method. One more things to remember students. In traditional method जो subtraction है वो subtraction को हम लोग right to left start करते हैं, okay? From right to left. But in base complement method we will start from left to right. मतलब हम लोग पहले left से start करेंगे and we will go towards the right, okay? So यहाँ पर example है 54 - 36. By base complement method पहले हम लोग left से start करेंगे. So मतलब पहले हम लोग करेंगे 5 - 3. कितना होगा 5 - 3, here we get 8. okay, next क्या होने वाला है, we have to subtract 4 and 6. but 4 cannot be subtracted from 4 - 6 यहाँ पे possible नहीं है. so what we will do, ये 2 को cut करके we will write it as 1. मतलब 2 से 1 less करेंगे, okay? and next क्या करेंगे, 4 and 6 का कॉम्प्लीमेंट. 6 का कॉम्प्लीमेंट कितना है बच्चों, 4. सो 4 + 4 को ऐड करके वी विल गेट 8. दैट मीन्स 54 - 36 यू विल गेट द आंसर 18. यू कैन वेरीफाई दिस. यहाँ पे भी हम लोग को 18 मिला है एंड यहाँ पे भी हम लोग को 18 ही मिला है. सेकेंड एग्जाम्पल वी सॉल्व 7 - 9 - 5 - 4 - 3 - 4 - 2 - 9 - 1. ओके, सो बाय बेस कॉम्प्लीमेंट वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. 7 - 3 इट विल बी अ 4. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट 2 - 4 तो हो नहीं सकता है. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट 4 से -1 करेंगे, इट विल बिकम्स 3. ये -1 कब होगा बच्चों, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट 2 - 4 हो नहीं सकता है. सो 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, 6. सो 2 + 6 इट बिकम्स 8. ओके, 9 - 2 इज 7. 8 को नीचे ऐसे ही लिख देते हैं, ये 7. बट यहाँ पे 5 - 9 पॉसिबल नहीं है. सो ये 7 कट होके इट विल बिकम 6, -1 होगा. 9 का कॉम्प्लीमेंट इज 1, 5 + 1 इज 6. ओके, देन 4 - 1 इज 3. सो यहाँ पे 3. सब्ट्रैक्शन का आंसर मुझे क्या मिला, 3 - 8 - 6 - 6 - 3. सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हैं 9 - 1 - 0 - 2 - 9 - 4 - 2 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1. ओके, सो यहाँ पे 9 - 8 इस क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा. बट यहाँ पे 1 - 2 इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये 1 बिकम्स 0. सो 1 - 2 हम लोग को करना है, 2 का कॉम्प्लीमेंट इज 8, 1 + 8 इज 9 आएगा. बट अगेन 0 - 6 इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस 9 बिकम्स 8. ओके, अगेन यहाँ पे 0 - 6 हम लोग को करना है, 6 का कॉम्प्लीमेंट इज 4, 0 + 4 इज यहाँ पे आएगा 4. बट अगेन 2 - 4 इज़ नॉट पॉसिबल, सो 4 बिकम्स 3. यहाँ पे 4 का कॉम्प्लीमेंट इज 6, 2 + 6 इज 8. ओके, 9 - 3 इज पॉसिबल, सो 8 विल बी एज इट इज़. 9 - 3 विल बी 6, 4 - 2 इज 2, 2 - 1 इज 1. सो मुझे आंसर क्या मिला,
8,38,621. नेक्स्ट एग्जाम्पल 49,230 - 42,310. सो राइट इट डाउन एग्जाम्पल 9,49,230 - 42,310. ओके सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करते हैं 4 - 4 विल बी अ 0, 9 - 2 is 7, 7 यहाँ पे आएगा बट 2 - 3 इज़ नॉट पॉसिबल सो ये 7 becomes 6. 2 - 3 हम लोग को करना है, 3 का कॉम्प्लीमेंट कितना है बच्चों 7, 2 + 7 is 9 यहाँ पे आएगा. पहले देखते हैं कि ये नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है क्या, यस. सो यहाँ पे 9 आ सकता है, 3 - 1 is 2 एंड यहाँ पे 0, 0. सो मुझे आंसर क्या मिला है 6,920. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 92,325 - 83,210. सो यहाँ पे हम लोग नंबर्स लिख लिखते हैं -83,210. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. ओके सो वी विल डू इट डायरेक्टली. 9 - 8 is 1 बट 2 - 3 इज नॉट पॉसिबल सो 1 becomes 0. 2 - 3 हम लोग को करना है, 3 का कॉम्प्लीमेंट इज 7, 2 + 7 is 9. 3 - 2 इज पॉसिबल, यस. सो यहाँ पे 9 विल एज इट इज. ओके सो 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1, 5 - 0 is 5. सो मुझे आंसर मिला 9,115. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4,325 - 2,602. सो 4,325 - 2,602. मेक अ सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 is 2 बट 3 - 6 इज नॉट पॉसिबल सो 2 becomes 1. 3 - 6 हम लोग को करना है, 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों 4, 3 + 4 is 7. ओके 2 - 0 इज पॉसिबल सो 7 विल एज इट इज. 2 - 0 is 2, 5 - 2 is 3. सो मुझे आंसर मिला 1,723. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.